इसी पर हमारे साथ बहस चल रही थी। हम लोग काम कर रहे हैं आजकल एक YouTube में एक व्यक्ति बहुत ही प्रकाशित हो गए हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिन्होंने प्रूव किया है कि डायबिटीज़ हम अपने प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने स्टेज में ऑन स्टेज उन्होंने प्रूव भी किया कि जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो नेचुरल हम इंसुलिन बनाते हैं, और वो फ्रूट तो फ्रुक्टोज ही होता है, तो इंसुलिन हम उनको खिला कर ये होता है। तो जिन लोगों के बीच में आज हम चिकित्सा कर रहे थे, तो वो ऐसा कि उनके साथ वो बोले कि इतने सारे हॉस्पिटल्स बेकार हैं। मतलब मैंने कहा कि आप ये बताइए, कितने सारे अंग्रेज हमारे ऊपर में शोषण कर रहे थे, तब भी हमारे भारतीय खड़े नहीं होते, और आप लोग भी उसी धारा में अभी भी जीना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि इतने सारे ये हैं। हम तो कहते हैं आप एक अमेरिकन डॉक्टर रॉयल रोनल्ड राइट, जिन्होंने क्वांटम थेरेपी के माध्यम से 1933 में उन्होंने ये बिना ये नेचुरोपैथी तरीके से उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया। तो आज हम लोग उस और उनको जो मॉडर्न मेडिकल साइंस उस समय खड़ी हो रही थी, उन्होंने अपनी उनकी वर्चस्व स्थापित नहीं हो गया ऐसा डर से उन्होंने उनको खत्म करवा दिया। साउथ कोरिया ने इसको फिर से वापस लाया। तो आज हम लोग आप लोग कब समझेंगे? तो बोला कि आप कहाँ, आपकी क्या प्रूफ है कि आप डायबिटीज़ बिना मतलब इंसुलिन आप बंद करवा देंगे और फिर उसके बाद आप नेचुरल तरीके से डायबिटीज़ ठीक कर देंगे? तो हमने कहा कि हमारे अभी तो एक व्यक्ति कम से कम उन्होंने तो रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए, तो हमारे पास बहुत भी हैं। मैंने उसी समय डॉक्टर जैकब जी का भी नाम लिया कि हमारे पास एक ऐसे रिसर्च व्यक्ति हैं जो हर बीमारी है। आप अर्थराइटिस लो, आप किडनी ख़राब करते हो, आप लोग किडनी ख़राब, यहाँ भी दो तीन लोग बैठे हैं जिनकी क्रिएटिनिन 1 से 2 से ऊपर हो जाने के बाद उन लोगों को और वो 8 तक 10 तक पहुँचाने का सारा प्रक्रिया उनके पास रहता है ताकि वो अंत में डायलिसिस की ओर जाएँ। तो हमने कहा कि डॉक्टर जैकब कंजरी जैसे व्यक्ति हमारे साथ है जिनकी रिसर्च पेपर्स पब्लिश है। तो हमने कहा कि कहा तो वो बोले तो उसमें से कुछ लोग छट करके आज हमारे पास आए। हम लोगों ने आज थोड़ी सी उनकी डिटॉक्सिफिकेशन किया, उनको आसन कराया, एक दिन के अंदर में उनको डिफरेंस फील हुआ। आज हमारे एक दिन की फीडबैक ऐसी है, हम उन्हें कहे कि आपको हम लोग 15 दिन के अंदर में रिजल्ट देने की बात करते हैं। और एक और हमारे पास इमीडिएट ये है कि एक पेशेंट है जो कि बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। उनकी स्टार्ट हुई कहाँ से? तो ब्लड प्रेशर के बाद फिर उसके बाद हार्ट डिजीज़ से फिर उसके बाद स्टंट लगना, अलग अलग स्टंट लगता गया स्टंट। तो जो हमने ये सीखा कि टॉक्सिन्स को निकाल दो, जर्म्स को मार दो, सेल्स को जीने दो, ब्लड को साफ करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, ये जो प्रक्रिया जो नेचुरोपैथी की है कि हम लोग डिटॉक्स करते हैं, टॉक्सिन्स को निकालते हैं, या टॉक्सिन्स को निकालने के लिए जो हम लोग पेशेंट्स को अल्कलाइन फूड देने की जो प्रक्रिया करते हैं, यह प्रक्रिया में हमने पेशेंट को ले जाने की कोशिश किया। तो मैंने सारे वो सब तरह की थेरेपी कर लेने के बाद हमने उनको कहा कि आप रहते हैं वो ग्रेटर नोएडा नोएडा में ही, तो मैंने कहा कि बापू में सेंटर में आप जाइए, रोज़ वहाँ थेरेपी लीजिए और मैं जो डाइट चार्ट बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए और फिर उसके आप लीजिए। उसी दिन मैं सुबह में याद कर रहा था कि जो मैंने नेचुरोपैथी सीखा डॉक्टर जैकब से वहाँ केरला में, तो दैट इज़ दिस थेरेपी दैट आई मेक द पेशेंट्स गो फॉर फास्टिंग एंड मेक देम एक्चुअली रियलाइज दैट टॉक्सिन्स आर देयर बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एसिडिक फूड विच दे हैव बीन टेकिंग फॉर इयर्स एंड इयर्स टुगेदर राइट फ्रॉम मदर्स वूम। माँ के गर्भ से ही बच्चा जॉन्डिस लेकर के और हेपेटाइटिस लेकर के पैदा होता है, और फिर उसके बाद उसको लीवर खराब किए हुए बच्चा रहता है, और उसी के साथ उसके बाद एकदम बिल्कुल मैकडोनल्ड्स का खाना और कोल्ड ड्रिंक्स वाला खाना का पूरा प्रक्रिया चला रहता है, और उनकी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त दुकानदारी चलती रहती है, और उस दुकानदारी के इतने बड़े $1 trillion इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें अगर तोड़ना है तो मेरे पास एक आंदोलन ज़बरदस्त है जो हम आपको 2 मिनट में बताना चाहते हैं। स्वामी जी, आप जानते हैं हम डाउटिस्ट हैं, आरंभ मार्ग में जब मैं सन्यासी का तब आपसे मिला था, तो मैं एक सदैव आंदोलन का एक मूवमेंट का प्रक्रिया हम लोगों ने बनाया कि एवरी एक्टिविस्ट शुड बी अ डॉक्टर। डॉक्टर जैकब के यहाँ जो लिखा हुआ है एक यू कम एज अ पेशेंट गो एज अ डॉक्टर, तो वो भी पेशेंट्स को डॉक्टर बना रहे, व्हाई नॉट एवरी एक्टिविस्ट बी अ डॉक्टर। तो एवरी एक्टिविस्ट लेट देम बी अ डॉक्टर,
और वो ऐसा डॉक्टर ऐसे चिकित्सक बने कि जो गांव में एक क्रांति पैदा करे कि आज गांव में हम जब बच्चों को योग सिखा रहे हैं तो आज बचपन से यानी कि उनको 12 वर्ष की उम्र से हम उनको 10th पास करने तक हम उनको पूरी योगिक चिकित्सा और नेचुरोपैथी की नॉलेज दे सकते हैं और बच्चा जो पास होगा तो एक रिवोल्यूशन उसके अंदर होगा तो दवा के सेवन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो नेटवर्किंग करेंगे और वो एक न्यूक्लियर रिवोल्यूशन के रूप में गांव-गांव में हमारे चिकित्सक प्रयोग होगा और वो एक क्रांति तो करेगा ही। वो अपने गांव में गांव ना छोड़े, वहाँ विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, ग्रामोद्योग करे, वह अपनी आटा चक्की लगाए, वो अपनी तेल घानी लगाए, उनका सामान का बहिष्कार करे और वहाँ से एक रिवोल्यूशन हो तो सब कुछ एक साथ करें कि लेट देयर बी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इन द सोशियो इकोनॉमिक यूनिट देयर ही इज लिविंग एंड दैट विल बी।